इस घोषणा पत्र में पिछली बार भी महिलाओं को केंद्रित किया और इस बार अपने घोषणा पत्र में ये साफ किया कि महिलाओं को वो अगर सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण दिया जाए बड़ी इसका महिलाएं सरकारी नौकरी में अपनी मर्जी से बड़ी संख्या में भर्ती हो सकती है, यानी जिस तरह से जो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता है। दूसरी सबसे अहम बात महिलाओं को लेकर यह है कि घरों में जिस तरह से पिछली बार की जो लाभ ये कि जो वो पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा रही है, ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से महिला आरक्षण की हमेशा से वकालत करते रहे नीतीश कुमार, कहीं उसका फायदा महिला वोटिंग के रूप में नहीं सामने आए। दूसरी के रूप में सवाल यह भी है कि क्या भाजपा जदयू के खेमे को इसका फायदा मिल सकता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन हम आपको बता दें जिस तरह से महिलाओं को भी टिकट बड़ी संख्या में दिया गया, हालांकि जो टिकट का ग्राफ है 33% आरक्षण के बाद हम महिलाओं तरफ से दिया गया था 20% के करीब। इसके अलावा बाकी पार्टियों से महिलाओं को टिकट में उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई, जिस तरह से भाजपा ने तकरीबन 9-10% वोट जो महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, जदयू की तरफ से भी लगभग यही आंकड़ा था। कुल मिलाकर तमाम पार्टियों की तरफ से ज्यादा मताधिकार करके वो अपनी गंभीरता इस लोकतंत्र के महापर्व में दिखा चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जो घर के गार्जियन हैं, जिस तरह से पुरुष एक समय पितृप्रधान समाज हमारा हुआ करता है, अब इन चीजों को भी के अंदर जो निर्णय करने में उनकी भी भूमिका अहम है। महिलाओं को अगर कोई ये कहकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि तुम मतदान में हिस्सा लेकर क्या करोगी, तो अब महिलाएं भी उसका विरोध कर रही हैं, और जिस तरह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव महिलाएं वोटिंग करेंगी, और सवाल यह है कि इस वोटिंग के बाद जो भी मुद्दे हों, अहम मुद्दे जिस मुद्दों के आधार पर महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, वो भी ये देखें कि किस तरह से मुद्दों आधारित पार्टियां, जो पार्टी मुद्दों आधार पर चल रही है उसका कहीं मात की बात पर सिमटे हुए हैं, जो लोग विकास को भूलकर तमाम तरह की इधर उधर की बातों पर अपने चुनाव को केंद्रित किए हुए, उन लोगों को सीधे तौर पर दरकिनार करें। ये साफ करता है कि महिलाओं की भागीदारी समाज में जितनी ज्यादा संख्या में महिलाओं के उसमें बहुत कमियां आती जाएंगी। ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी मुकाबले में पुरुषों से बेहतर हैं, और पुरुषों की जिस तरह से स्लो वोटिंग या किसी न किसी तरह से पुरुष इस मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए हों के लोग का प्रतिशत है, तमाम जातियों की तरफ से महिलाओं की एक बड़ी संख्या इस मतदान में हिस्सा लिया। हालांकि एक मोटे तौर पर जो अनुमान लिया जाता है, ये कहा जाता है कि जो पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देता है, उसको मिलता दिखता है। लेकिन तमाम जो समीकरण है, तमाम जो अनुमान है, वो तब धराशायी हो जाते हैं जब चुनाव के परिणाम आते हैं, यानी मतगणना के बाद ये साफ हो जाता है कि वास्तव में जो आम किस पर कर दिया है के मुकाबले महिलाएं इस लोकतंत्र के महापर्व को गंभीरता से ले रही हैं, और आने वाले तमाम चरणों के चुनाव में महिलाओं से फिर से अपेक्षा की जाती है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि इस महापर्व में अगर चूक हुई तो कोई उम्मीदवार बड़ी मेहनत से बनता है आशियाना, जिंदगी की अमूने माल अच्छी क्वालिटी की TMT सरिया दे अपने सपनों के घर को एक मजबूत आधार। इस्तेमाल करें CRM TMT बार FE 500 सरिया, भूकंप और का संपर्क करें सिटी रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड पटना, हेल्पलाइन नंबर 0612
8221-6770। राजनीति के हुक्मरानों की अपराध को तो उसकी हर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं हम। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदिशा ही नहीं राज्य के सभी जिलों को टटोलते हैं हम। खबरों पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर घटना को सत्य बोल सड़क से सदन तक, सियासत से सरोकार तक, मुफलिसी से मुकद्दर तक, हर खबर सबसे पहले आप तक। रात तक जाकर लाएंगे पूरी और पक्की खबर। बिहार से जुड़ी हर खबर SMBC इनसाइट पर हर शाम 7 बजे सिर्फ अपना बिहार में। Hi, I'm Tiger Shroff. Hi, I'm Shraddha Kapoor. Hi, my name is Siddharth Malhotra. Hi, guys, this is Rajkumar Rao. Hi, I'm Prachi Desai. SMBC Inside. हमारी दावेदारी पर चारों तरफ सब बोलने लगा ना कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, हम मुख्यमंत्री के जिलों को बिहार से कोई सपना देखें, हम भी सपना देखेंगे कि जनता के अदालत में हम अपील करेंगे। अब जनता को निर्णय लेना है। अधिकतम घरों तक पहुंचने की नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ कोमल गौतम। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म की 32%। चुनाव के बीच बहारी बाबू ने महंगाई को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा, बोले कहीं प्याज की तरह रुला न दही डाल। सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अदम वैधानिक करार, वरिष्ठ जज की करेंगे जजों की नियुक्ति। मुरादाबाद में दुकानदार अनवर हत्या मामले का खुलासा। NHR NRHM में हड़तालों का दौर जारी। स्टाफ नर्सों के बाद अब
एनआरएचएम संविदा कर्मी गए हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना आयोग की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में सीआईसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि शासन में और ज्यादा खुलापन होने से लोगों को मदद मिलेगी। आज के पद्धति वाले होने चाहिए।